नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्री प्रोसेसर को पढ़ने की शुरुआत कर दी थी। हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का भी एक इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम पहले टाइप का जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसका नाम है मैक्रो एक्सपेंशन, उसकी हम बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके ज़रिए हम मैक्रो एक्सपेंशन को समझेंगे कि आखिर क्या होता है मैक्रो एक्सपेंशन। तो दोस्तों, यहाँ इस प्रोग्राम में आप नज़र डालिएगा। सबसे पहले आप देखिए, ज़रा यहाँ लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h और फिर हैश डिफाइन आई 3.1415। तो यहाँ दोस्तों, ये जो हैश है, तो ज़रा याद कीजिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिक्र किया था कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, उनकी शुरुआत हमेशा हैश से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ना, हैश इंक्लूड, फिर एक और हैश इंक्लूड और फिर हैश डिफाइन, तो ये तीनों ही यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यानी कि जो प्री प्रोसेसर को डायरेक्ट करे, जो प्री प्रोसेसर को दिशा दिखाए। तो साथियों, इन दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं हैश डिफाइन की, क्या आखिर ये हैश डिफाइन है क्या और किस तरह से इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखकर प्री प्रोसेसर यहाँ काम करने वाला है। तो साथियों, आइए इस लाइन को थोड़ा हम फोकस करें। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है हैश डिफाइन, जो कि है एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फिर साथियों, एक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर और इसके आगे लिखा हुआ है पाई। तो ये जो पाई है दोस्तों, इसको हम कहेंगे मैक्रो टेम्पलेट। फिर आप देखिएगा दोस्तों, इस पाई के बाद एक स्पेस है और यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई है 3.1415। तो ये जो वैल्यू है, ये है मैक्रो एक्सपेंशन। अब जरा आइए दोस्तों, समझते हैं कि प्री प्रोसेसर इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखकर किस तरह से यहाँ पर काम करेगा। तो हमने बात की थी कि जो भी प्रोग्राम हम टाइप करते हैं, तो उस प्रोग्राम को तो हम कहते हैं दोस्तों सोर्स कोड। तो यह है हमारा सोर्स कोड, जो हम हमारे हाथों से टाइप करेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले ये जो सोर्स कोड है, ये कंपाइलर को सीधा नहीं दिया जाता। सबसे पहले ये सोर्स कोड किसको दिया जाता है दोस्तों? प्री प्रोसेसर को दिया जाता है। प्री प्रोसेसर जो कि हमारा एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर आप समझ लीजिए, एक छोटा सा एक प्रोग्राम होता है जो हमारे इस सोर्स कोड पर कुछ प्रोसेसिंग करेगा। तो ये पूरा का पूरा सोर्स कोड दे दिया जाता है प्री प्रोसेसर को। अब प्री प्रोसेसर इस सोर्स कोड पर कुछ काम करेगा। क्या काम वो करेगा, किसके हिसाब से वो काम करेगा? तो दोस्तों, इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के हिसाब से वो कुछ इस प्रोग्राम के साथ छेड़खानी करेगा। तो देखिएगा जरा दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग तीन सर्कल्स का एरिया फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि R1, R2 और R3 हमारे पास तीन सर्कल्स की रेडियस है। तीन अलग अलग सर्कल है हमारे पास, जिनकी रेडियस है 1.5, 2.5 और 3.5, और इनके एरियाज हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों, हमारा ये जो सोर्स कोड है, ये पहले प्री प्रोसेसर के पास चला जाएगा। अब प्री प्रोसेसर यहाँ देखेगा कि कौन कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। तो सबसे ऊपर है हैश इंक्लूड, फिर एक और हैश इंक्लूड और फिर है हैश डिफाइन। तो हैश इंक्लूड किस तरह से यहाँ पर एक्सपांड होंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जिक्र कर लें हैश डिफाइन का। तो दोस्तों, यहाँ हैश डिफाइन के अंदर ज़रा देखिएगा, ये पाई है हमारा मैक्रो टेम्पलेट और ये है मैक्रो एक्सपांशन। ये जो वैल्यू है 3.1415, ये है मैक्रो एक्सपांशन। तो प्री प्रोसेसर क्या करने वाला है कि इस हमारे प्रोग्राम को स्कैन करेगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम को देखेगा। अब जहाँ जहाँ भी उसे ये मैक्रो टेम्पलेट मिलेगा, जहाँ जहाँ भी उसे पाई नज़र आएगा हमारे प्रोग्राम में, वहाँ वहाँ उस पाई को वो किससे रिप्लेस कर देगा, इस वैल्यू से
3.1415 से रिप्लेस कर देगा। तो जैसे हमारा ये सोर्स कोड है, अब ये सोर्स कोड गया प्री प्रोसेसर के पास, तो प्री प्रोसेसर ने देखा कि अरे ये एक यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिया हुआ है जिसमें ये पाई एक मैक्रो टेम्पलेट है और ये मैक्रो एक्सपेंशन है, तो इस पाई को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस वैल्यू के साथ। यानी कि जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोग्राम में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई है, जहाँ जहाँ पर भी वहाँ वहाँ इस पाई को रिप्लेस कर दिया जाएगा इस वैल्यू से। तो दोस्तों प्री प्रोसेस होने के बाद ये प्रोग्राम में क्या होगा कि ये जहाँ जहाँ पाई लिखा हुआ है ना वहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा इस वैल्यू से 3.1415। अब क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3.1415 ही होती है और एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ ये तीन रेडियसेस हैं, तो यहाँ से हम वन बाय वन हर एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पाई आर वन स्क्वायर, तो यहाँ हो रहा है पाई इंटू आर वन इंटू आर वन, फिर यहाँ पाई आर टू स्क्वायर और उसी तरह से यहाँ पाई आर थ्री स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी। तो तीनों सर्कल्स के एरिया यहाँ हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्री प्रोसेसर हमारे इस सोर्स कोड में जहाँ जहाँ भी पाई है तो वहाँ पाई को रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से जो कि है 3.1415, यानी कि मैक्रो टेम्पलेट को रिप्लेस कर दिया जाएगा मैक्रो एक्सपेंशन से। तो उसके बाद जो कोड हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा एक्सपांडेड सोर्स कोड, और फिर ये एक्सपांडेड सोर्स कोड दिया जाता है कंपाइलर को और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। तो दोस्तों एग्जीक्यूशन के बाद जो आउटपुट हमें यहाँ नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, तीनों ही सर्कल्स के एरियाज आपकी निगाहों के सामने आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब साथियों हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि ये मैक्रो टेम्पलेट यूज़ करने से क्या फ़ायदा है प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ज़रा देखिए, पाई की ज़रूरत हमको कई बार इस प्रोग्राम के अंदर पड़ रही थी, पाई की वैल्यू की ज़रूरत। भाई पाई एक कांस्टेंट होता है जो कि जिसकी वैल्यू होती है 3.1415। अब इसकी ज़रूरत हमें अलग अलग जगह पर प्रोग्राम में पड़ रही थी, तो दोस्तों हमें इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा हर बार जब भी प्रोग्राम के अंदर हमें जहाँ कहीं भी इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें इस वैल्यू को याद रखना पड़ेगा 3.1415, और हर जगह पर टाइप करना पड़ेगा 3.1415 कुछ इस तरह से। तो बेहतर विकल्प ये है, बेहतर ऑप्शन ये है कि क्यों ना हम बार बार ये वैल्यू लिखने की जगह पर सिर्फ क्या लिख दें, पाई लिख दें। तो ये लिखना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। मतलब आप खुद भी सोच कर देखिए कि कोई एक बड़ा सा नंबर है, कोई ये तो चलो एक फिर भी एक छोटा नंबर हो सकता है, इससे कोई और एक और बड़ा नंबर हो, कभी आपके प्रोग्राम में कुछ इस तरह की ज़रूरतें हों कि कोई बड़ा नंबर आपको याद रखना पड़ रहा है, बार बार उसकी ज़रूरत है, बार बार उस कॉन्स्टेंट नंबर की आपको ज़रूरत पड़ रही है प्रोग्राम के अंदर, तो बेहतर ये है कि कुछ इस तरह से हम मैक्रो डिफाइन कर लें। तो अब हमें पूरा नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं, पूरा एक कॉन्स्टेंट नंबर यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है हर जगह, हम सिर्फ एक बार उसको डिफाइन कर देंगे ऊपर, और नीचे जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में हमें ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ हम सीधा सीधा क्या लिख दिया करेंगे उस मैक्रो टेम्पलेट को, जैसे यहाँ लिख दिया पाई पाई पाई। अगर मान लो यहाँ 10 सर्कल के भी हमें एरिया निकालने पड़ जाते हैं ऐसी सूरत में, तो हम हर जगह बस क्या लिख देंगे, सिर्फ पाई 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 कुछ इस तरह से लिख देंगे। और ये मैक्रो टेम्पलेट आपको जो अच्छा लगे वो आप इसका नाम रख सकते हैं, यहाँ हमने पाई रखा है। आपको लगता है कोई और नाम आपको ज़्यादा आसानी से याद रह सकेगा यहाँ पर, जो कोई और नाम आपको अगर सूटेबल लगता है मैक्रो टेम्पलेट का तो वो भी आप रख सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए किसी ने कहा कि नहीं हमें तो एरिया ऑफ सर्कल और ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, और ज़्यादा प्रिसाइजली कैलकुलेट करना है, तो पाई की वैल्यू को और ज़्यादा प्रिसाइजली कंसिडर किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू है 3.1415, पर और ज़्यादा अगर हम प्रिसाइज करें इस वैल्यू को तो वो हो जाएगा 3.141592। अब होगा क्या कि मान लो किसी ने कह दिया आपसे कि नहीं भाई यहाँ पाई की वैल्यू में चेंज चाहिए, हमें 3.1415 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3.141592 ये वैल्यू कंसिडर करो पाई की और फिर एरिया कैलकुलेट करो। तो ऐसा करने में दोस्तों सोचिए कि हमारे पास ये मैक्रो टेम्पलेट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
हर जगह जा जाकर, जहाँ जहाँ भी एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया गया है वहाँ हर जगह जा जाकर हमें करना होगा 3.141592, 3.141592, 3.141592, हमें हमारे हाथों से हर जगह जाकर टाइप करना होगा, तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैक्रो यूज़ करने का एक फ़ायदा और हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर पाई की वैल्यू में मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज है, छोटा मोटा चेंज है, तो हमें पूरे प्रोग्राम में हर जगह अब पाई की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ कहाँ चेंज कर देंगे, ऊपर जहाँ हमने मैक्रो को डिफाइन किया है 3.141592 यहीं पर चेंज कर दिया। अब यहाँ चेंज करने से क्या हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी आपने इस मैक्रो का इस्तेमाल किया है तो वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली उस मैक्रो टेम्पलेट को किस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा, 3.141592 से अपने आप ही रिप्लेस कर दिया जाएगा, हमें हर जगह अलग अलग जगह जाकर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अब दोस्तों एक सवाल और हो सकता है आपके जहन में उठ रहा हो कि यहाँ पर पाई को हमने एज ए मैक्रो टेम्पलेट डिफाइन किया है, तो एक तरीका और ये भी तो हो सकता था कि हम पाई को एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, मतलब जैसे कुछ इस तरह से एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट टाइप का पाई नाम का और उसे इनिशियलाइज कर दिया 3.141592 से, तो ऐसा कर देते हैं, मतलब ये नहीं करते हम और इसकी जगह पर क्या कर देते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं पाई नाम का। तो बेशक दोस्तों अगर आप एक वेरिएबल बना देंगे पाई नाम का और उसे भी आप अगर इस वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे 3.141592 और आगे आप अगर प्रोग्राम को ऐसे ही प्रोसीड करेंगे तो वही काम हो जाएगा, यहाँ से भी आप तीनों सर्कल्स का एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, वही वैसा ही काम करेगा जैसा कि मैक्रो टेम्पलेट पाई काम कर रहा था। पर फिर भी ऐसी सूरत में मैक्रो डिफाइन करना एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों आप ज़रा देखिए ये एक वेरिएबल है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल यहाँ पर बनाया है, तो मेमोरी में ये 4 bytes अक्यूपाई करेगा, यानी कि मेमोरी के अंदर एक पाई नाम का वेरिएबल जन्म लेगा और उसे 4 bytes मेमोरी स्पेस मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये मेमोरी अक्यूपाई करेगा, 4 byte मेमोरी आपकी एक्स्ट्रा खर्च होगी। अब दूसरी चीज़ देखिए ज़रा दोस्तों, अब दोस्तों ये जो पाई है इसकी वैल्यू कहीं मेमोरी में स्टोर्ड है, यानी कि अब जब कभी भी प्रोसेसर को पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रोसेसर पाई की वैल्यू को रीड करने के लिए मेमोरी में जाकर उसे रीड करके इस वैल्यू को अपने पास लाना होगा, यानी कि मेमोरी में जाना होगा फिर वहाँ से पाई की वैल्यू को रीड करना होगा और वहाँ से प्रोसेसर इसे अपने पास लेकर आएगा। तो मेमोरी में जाना फिर इस मेमोरी एड्रेस पर पाई के मेमोरी एड्रेस से वैल्यू को रीड करके लाना, इस सब में दोस्तों प्रोसेसर का वक्त ज़ाया होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जबकि जब हमने यहाँ पर मैक्रो डिफाइन किया था तो मैक्रो के केस में ये हो रहा था कि मैक्रो टेम्पलेट कहीं मेमोरी में स्पेस अक्यूपाई नहीं कर रहा था, यानी कि एक तो मेमोरी हमारी कम खर्च हो रही थी मैक्रो टेम्पलेट का इस्तेमाल करने पर, और दूसरी चीज प्री प्रोसेसर उसकी वैल्यू जहाँ जहाँ भी मैक्रो टेम्पलेट हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ था वहाँ वहाँ उस मैक्रो टेम्पलेट को उसकी वैल्यू से प्री प्रोसेसर ने पहले ही रिप्लेस कर दिया था, यानी कि उसे एक्सेस करने के लिए कहीं मेमोरी में जाने की भी ज़रूरत नहीं, यानी कि वक्त भी बच रहा था दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर थ्रू आउट द प्रोग्राम हमें अलग अलग जगह पर किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है तो यहाँ पर मैक्रो टेम्पलेट को डिफाइन करना एक बेहतर विकल्प होगा दोस्तों, एक अच्छा ऑप्शन होगा यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करने की बजाय। और फिर दोस्तों एक बात और ये भी है कि जब कोई चीज़ कॉन्स्टेंट ही है तो उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर ही क्यों करें, जब इस वैल्यू को चेंज होना ही नहीं है यहाँ पर तो फिर हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर क्यों करें, ये तो एक कॉन्स्टेंट है। तो बेहतर होता है कि कॉन्स्टेंट को हम एक कॉन्स्टेंट की तरह ही ट्रीट करें। और इसमें दोस्तों एक डिसएडवांटेज और ये हो जाता है कि ये एक वेरिएबल है, अब यहाँ तो हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है पर आगे जाकर जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे तो वहाँ पर कई सारी लाइंस के कोड होंगे, 1000 lines के कोड हो सकते हैं, तो इतने बड़े बड़े जो कोड होंगे उनके अंदर पूरे प्रोग्राम में हो सकता है कहीं गलती से इस वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज हो जाए,
कहीं गलती से इस वेरिएबल की वैल्यू में हमसे गलती से ही कोई चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा तहस नहस हो सकता है दोस्तों। तो जब इसे कॉन्स्टेंट रखना ही है थ्रू आउट द प्रोग्राम तो बेटर है कि इसे एक मैक्रो की तरह ही हम डिफाइन करें। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।